गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केसी सिन्हा मैथ, और क्वेश्चन हमारा है आपका 20। इसको सिद्ध करना है, ठीक है, और यहाँ जीरो मंगाना है। तो सबसे पहले हम लोग दो कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में 20 है, यहाँ दिया गया ऐड करना है। उससे पहले आपको कुछ बातों पर ध्यान देना है, जरूरी है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है, इसका वैल्यू होता है। और यहाँ हो जाएगा 1 + ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और एक होता है ओमेगा के पावर 3 अगर रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं। यह हो जाएगा आपका 1 + ओमेगा, फिर हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। दूसरा कंडीशन, यह हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 1 + ओमेगा। तीसरा कंडीशन है आपका ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस 1। आप यहाँ देख सकते हैं 1 + ओमेगा के वैल्यू होता है आपका -ओमेगा स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं -ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है आपका -1 हो जाएगा, -1। और ओमेगा स्क्वायर + 1 का वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर + 1 का -ओमेगा, ठीक है, क्योंकि यह प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है आपका ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1, फिर ओमेगा स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -ओमेगा, और 1 + ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -ओमेगा, और ओमेगा + 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ आप देख सकते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्रथम रो और इसमें, ठीक है, यहाँ हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर × 1, और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 1 × ओमेगा, फिर यहाँ हो जाएगा -ओमेगा × ओमेगा स्क्वायर। सेकंड कंडीशन है आपका -1 × 1, फिर -ओमेगा × ओमेगा, और यहाँ हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर और × ओमेगा स्क्वायर। तीसरा कंडीशन है आपका -1 × 1 -ओमेगा × ओमेगा, और हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर × ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं -ओमेगा स्क्वायर, और -ओमेगा ये हो जाएगा -ओमेगा, और इसका वैल्यू होता है, अगर क्यूब हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है, इस कंडीशन में आ गई। नेक्स्ट है आपका यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा -ओमेगा, ठीक है, क्योंकि 4 है और एक इसमें आएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 जिसका पावर रहता है ओमेगा 3 के पावर होता है तो वैल्यू हो जो होता है 1 होता है। अब यहाँ हो जाएगा -1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा और + 1, ठीक है। यहाँ माइनस लीजिएगा हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा, और नीचे माइनस लीजिएगा तो कॉमन क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा,
ठीक है, हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू जो होता है जीरो होता है, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ये हो गया प्रूफ।